मध्य प्रदेश गौरव प्रतिष्ठान ने आज कल और विषय का प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन आयोजित किया है। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र सिंह देव रहे, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी जिला अध्यक्ष राम बिहारी चौरसिया ने की। प्रबुद्ध जनों ने साहित्यकारों, लेखक और महिलाओं की भागीदारी मुख्य रूप से रही। प्रबुद्धजन सम्मेलन में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पिछले 18 वर्षों में प्रदेश में विकास की निरंतरता बनी हुई है और मध्य प्रदेश विकसित राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित हो गया है। मैं केंद्र सरकार लगातार हर वर्ग के लिए कार्य कर रही है, जिससे कि हर वर्ग स्वाभिमान के साथ अपने देश पर गर्व महसूस कर रहा है। सो भाई क्योंकि हम हर साल रिजल्ट कार्ड अपना लेकर जाते हैं, जो राज्य में जो योजनाएं हम काम करते हैं, गरीब के कल्याण के लिए जो भी लाभार्थियों के लिए हम काम करते हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हैं। कभी संगठन के बीच में, कभी जनता जनार्दन के बीच में, कभी प्रबुद्ध वर्ग के बीच में। आज प्रबुद्ध वर्ग के बीच में चिंतन बैठक था। इस प्रकार की बैठकों में हम लोग अपना एजेंडा लेकर जाते हैं, एक हाथ में राष्ट्रवाद का और दूसरे हाथ में विकास वाला, यानी एक तरफ राष्ट्रवाद मेरा मजबूत होना चाहिए, दूसरे हाथ में एक विकास की गंगा बनना चाहिए। गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान, आदिवासी, वनवासी, गिरवा से शोषित वंचित का कल्याण होना चाहिए। भरपेट भोजन मिलना चाहिए, रहने के आवास मिलना चाहिए, शौचालय हो, गैस का कनेक्शन हो, बिजली का कनेक्शन हो और बैंक का उनका अकाउंट हो। तो आज़ादी के बाद आदरणीय मोदी जी आने के बाद, राज्य के अंदर शिवराज जी के आने के बाद, ये सभी किसानों का या सभी गरीबों का अपना बैंक का अकाउंट है, पक्का मकान बन रहा है। जिनका शेष मकान है वो 2024 तक हम पूरा करेंगे। एलआर स्ट्रेंथनिंग कैंपेन चला रहे हैं सभी अपने डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट के। इसमें हमें ये देखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कमी है, यानी बिल्डिंग में कोई कमी तो नहीं है, लोगों की, डॉक्टर्स और नर्सेज की कितनी ज़रूरत है, जिसको हम HR की ज़रूरत कहते हैं वो। तीसरा हमें देखना है कि उनको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो वो। चौथा हमें देखना है कोई दवाइयों की ज़रूरत है तो वो। और इसके अतिरिक्त अगर उनकी कोई परेशानी तो वो हमें देखें और उसे ठीक करें।